नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केएम के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज सैटरडे है प्लस महाशिवरात्रि है, तो मेरी आप लोगों को हार्दिक शुभकामना। जय श्री महाकाल। ठीक है, महान काल। तो इसी के साथ अपन स्टार्ट करेंगे अपना आज। सैटरडे संडे है, ठीक है दोस्तों। सैटरडे संडे वीकली एवरी वीक प्रीमियर लीग, इटली सीरी आए, वो सारे लीग के मैचेस होते हैं जो फुटबॉल के लिए मेन रहते हैं। तो उसका मैं आपको आज प्रिडिक्शन दूंगा, आपके सामने एक्यूमुलेटर बनाऊंगा, आपके सामने मैं खुद अपने पैसे लगाऊंगा और अपने आगे बढ़ेंगे और इस हिसाब से आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आपको वो भी दिखाऊंगा कि मेरे पास कितने पैसे पड़े हैं, तो कितने इसमें एक्यूमुलेटर में लगाने चाहिए, क्या है, सारी टेक्निक्स आपको सिखाऊंगा, ठीक है। लाइव एंड एकदम प्योरली दिखाऊंगा आपको, ऐसा नहीं कि खाली बोलने का करने का कुछ नहीं, ऐसा नहीं रहता अपने में। मैं खुद करता हूँ तभी जाके आपको बताता हूँ, ठीक है। और ठीक है, हाँ ये भी मैं मानता हूँ कि 10 में से 8 बैट सही होती है, 2 गलत होती है, क्योंकि हम भी इंसान हैं, मेरी स्टडी रहती है। लेकिन कोई कोई बार कोई उम्मीद से हटके खेलता है या उम्मीद से पुअर खेलता है, तो दैट इज़ अ पार्ट ऑफ अ गेम, तो वो भी आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी बात करेंगे इंग्लैंड प्रीमियर लीग का, लेकिन अपने इसमें पहले कर देंगे, हमें 24 आवर्स की जो गेम है उसका ही चाहिए अभी, ठीक है। तो पहले करेंगे इंग्लिश प्रीमियर लीग, ठीक है। ये दोस्तों इतने मैचेस है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 मैचेस है, ठीक है। लेकिन उसमें से हमको क्या पकड़ना है वो बता देता हूँ आपको। स्टेट्स में जाना है, फुल स्टेट्स में जाना है। मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बताता हूँ मैं कैसे करता हूँ वो, ठीक है। स्टैंडिंग्स ठीक है दोस्तों, ये अभी है प्रीमियर लीग का टेबल। तो इसमें क्या रहता है पहले आपको वो समझा देता हूँ। 20 टीम्स रहती है, ठीक है। 20 टीमें जो टॉप 4 रहेगी वो यूएफए चैंपियंस लीग में क्वालिफाई करेगी, जो ग्रीन में दिख रही है ना वो यूएफए चैंपियंस लीग में जाती है, अगर ये एंड पे ये ख़त्म किया तब, ठीक है, ये सीज़न ख़त्म होने पे। 5वीं टीम जो रहेगी वो जाएगी यूएफए यूरोपा लीग में, और ये जो लास्ट 3 है वो जाएगी इंग्लिश चैंपियंस लीग में, मतलब उनका रेलिगेशन होगा, मतलब वो बाहर निकल जाएगी ये 3 टीम। और जो इंग्लिश चैंपियंस लीग है उसका जो, इसका मतलब आप ये समझ लो ये IPL है, ठीक है, और इसके नीचे एक और छोटी जूनियर IPL चलती है, तो जूनियर IPL से भी टॉप 3 टीम रहेगी, तो वो यहाँ पे प्रमोट होगी और यहाँ पे खेलेंगी, इन ये 3 निकल जाएगी और नई 3 आएगी। तो ऐसा देखिए इसमें चलता रहता है। देखिए ये रेड है वो रेलिगेशन से चैम्पियनशिप से, और ग्रीन है प्रमोशन चैम्पियंस लीग, और ऑरेंज कलर है वो यूरोपा लीग का है, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, सिटी, आर्सेनल, यूनाइटेड, न्यूकासल और टोटेनम, इन 5 और ये 6-7 को भी गिनना है, क्योंकि उसके पॉइंट्स भी बहुत दूर नहीं है, ठीक है। ब्राइटन, फुलहाम और ब्रेंटफोर्ड और लिवरपूल भी पकड़ लो, ये चेल्सी छोड़ दो, विला छोड़ दो, क्रिस्टल पैलेस छोड़ दो, लेस्टर सिटी छोड़ दो, नॉटिंगम फॉरेस्ट छोड़ दो। वुल्फ से अपने को देखना है फिर से, वुल्फ से क्यों देखना है, क्योंकि 24-23 पॉइंट है उसके, 23-20-19-18, मतलब कोई ज़्यादा बहुत दूर नहीं है, ठीक है। ये वेस्टहम यूनाइटेड, लीड्स यूनाइटेड, एवर्टन, बॉर्नेमाउथ और साउथहैम्पटन, इसकी मैचेस पे अपने को ध्यान रखना है, इसमें कुछ दिखता है तो लगाना है, ठीक है। तो ये तो हो गया क्लैरिटी टेबल का। अभी साउथहैम्पटन की मैच पकड़नी है, बॉर्नेमाउथ, एवर्टन, लीड्स, वेस्टहम और वुल्फ की, और ऊपर में 7 लोग, ये तो मेरे को तो दिमाग में है क्योंकि मैं रेगुलर देखता हूँ, ठीक है। अब एस्टन विला और आर्सेनल, उसमें आप विला को छोड़ दो, क्योंकि विला की मगजमारी ज़्यादा है, वो अभी वैसे टॉप पे पहुंच गया है। देखो ये 14 है और ये है कितना दे रहा है, 10 दे रहा है, दैट मीन्स फर्स्ट हाफ में ये इसका 5 दे रहा है, इसका 7 दे रहा है, इसका सेकंड में 5 दे रहे हैं, 7 दे रहे, ठीक है, ओके। तो
ये अभी इसमें कुछ मेरे को श्योर शॉट नहीं दिख रहा है। गोल किक में मतलब नहीं है, थ्रो इन में मतलब नहीं है, अपन फाउल फर्स्ट आउट, ये करेंगे ज्यादा। अपने को इसे जाना है दोस्तों, सॉरी 11 फाउल जाना है एस्टन विला के, ठीक है, टीम वन के 11 फाउल, क्योंकि सामने आर्सेनल है। ये फुलहम और ब्राइटन दोनों अच्छी टीम है, तगड़ी टीम है। इसमें दोस्तों मज़ा आएगा, और अपने को जाना है थ्रो इन फर्स्ट हाफ में 20, क्योंकि जब भी दोनों अच्छी टीम हो और दोनों को जीतना ज़रूरी हो तब अपने को जाना चाहिए किसके ऊपर, थ्रो इन पे जाना चाहिए, क्योंकि बोथ विल फाइट फॉर बॉल और उस हिसाब से फिर ये आगे जाएगा, ठीक है, या तो फिर फाउल पे, लेकिन धोखा होता है प्रीमियर लीग में इसलिए फाउल पे नहीं जा सकते इसमें, ठीक है। ब्रेंटफोर्ड क्रिस्टल पैलेस मैच छोड़ दो, क्योंकि वो अपने काम का नहीं है, क्योंकि दोनों कंफर्टेबल है, बीच में है, तो साला अच्छा खेले नहीं खेले दैट वी डोंट नो, देख लो। लेकिन ये शॉट्स ज़्यादा दे रहा है यार, देखा जाए तो 26 शॉट्स लगते नहीं है, तो इसके अंडर में चले जाओ, क्योंकि अपने को तो एक्यूमलेट करना है, तो उतना टेंशन लेने का नहीं है। ओहो, ये बहुत ही बढ़िया मैच है दोस्तों, एवर्टन और ये लीड्स का, पर साउथहैम्पटन भी नीचे है, तो पहले साउथहैम्पटन देख लेते हैं। साउथहैम्पटन में शॉट्स टुवर्ड्स द गोल, उसमें अपने को जाना है टीम टू 9, ठीक है, 9 मार देंगे ये लोग, कोई दिक्कत नहीं है। एवर्टन लीड्स, ये बहुत ही बढ़िया मैच है दोस्तों, इसमें जाना है फाउल में, टोटल फाउल 24 हो गए, ठीक है, 12 दूनी 24, फाउल फर्स्ट हाफ देख लेते हैं, पहले से 11 आई है इसीलिए कर लो 11, नहीं 11 11 22, एक मिनट है दोस्तों, नहीं अपने को 24 ही रखो, ये हटाओ, ठीक है, क्योंकि दोनों को करो या मरो सिचुएशन है। अब बात करेंगे अपन नॉटिंग फॉरेस्ट सिटी, बाकी हाँ ये वुल्फ फॉर बोर्न मौत, दोनों मस्त मैच है। इसमें दोस्तों फॉल में जाना है अपने को, ठीक है, फर्स्ट हाफ फॉल में जाना है और 10 फॉल में जाना है, ठीक है। और ये लिवरपूल न्यूकासल, ये भी बहुत बढ़िया मैच होगा, जिसमें बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों, और इसमें टोटल थ्रो इन 19 पे जाना है। अभी लिवरपूल का भी अप्रोच बहुत अच्छा है, मज़ा आएगा ये मैच देखने का, ठीक है। तो इंग्लिश प्रीमियर लीग से हमने 7 इवेंट उठाए हैं, बल्कि मैच कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 मैच थे, उसमें से 7 इवेंट उठाए, हम सिटी वाले में भी देख ही लेते हैं। चलो शॉर्ट्स टुवर्ड्स द गोल, ये शॉर्ट्स टुवर्ड्स द गोल क्या होता है पता है दोस्तों आपको? शॉर्ट्स टुवर्ड्स द गोल ये होता है कि उसमें शॉट ऑन टारगेट गिना जाता है, दूसरा शॉट ऑफ टारगेट गिना जाता है, और शॉट ब्लॉक्स हुआ वो गिने जाते हैं, ठीक है, इतनी चीज़ गिनी जाती है, तो वो एक ध्यान में रखना है आपको। इसमें मज़ा नहीं आएगा, ये छोड़ दो मैच, ठीक है। अब पकड़ते हैं इटली सीरिया ए, अरे वाह, सांपोडिया बोलोगना, इसमें भी टेबल देख लेते हैं दोस्तों, टेबल में क्या है, फुल स्टेट्स में, स्टैंडिंग्स में, ये इटली का थोड़ा लेवल ज़्यादा है, अच्छा है रेटिंग्स, इसलिए इनके टॉप 4 है वो क्वालिफाई होते हैं चैंपियंस लीग में, और 5वीं छठी टीम्स होती है अपने इसमें
यूरोपा लीग में, ठीक है, सॉरी पांचवी टीम रहती है यूरोपा लीग में, और छठी टीम यूरोपा कॉन्फ्रेंस लीग रहता है उसमें जाती है, और बाकी लास्ट टीम जिसे हम जैसे मैंने बताया रेलीगेट होती है, ठीक है। तो ये अभी चैंपियंस लीग क्या है, यूरोपा लीग क्या है, कॉन्फ्रेंस लीग क्या है, उसके लिए तो अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी कंपटीशन रहती है सारे लीग की, सारे देश की, ठीक है। तो उसमें आपको खाली इतना बता देता हूँ अभी कि यूएफए चैंपियंस लीग नंबर वन है, यूएफए यूरोपा लीग नंबर टू है, और यूएफए कॉन्फ्रेंस लीग नंबर थ्री है, ठीक है, इतना ध्यान रखिए। अभी इसमें देखिए वेरोना, सांपोडिया और क्रेमिनेजे, क्रेमिनेजे तो एट पे है, 11-17, तो ये सब आपको ध्यान रखना है। और ऊपर नापोली है, इंटर मिलान है, एटलांटा है, रोमा है, मिलान एकदम फॉर्म में नहीं है, लाजियो है, ठीक है, तोरिनो, उडिनेसे, यूवेंटस, ये मोंजा, बोलोगना, एम्पोली, लीची, फिर फोरेंटाना, फोरेंटिना, सासोलो, सेलेनिटाना, स्पाजिया, स्पेजिया, ठीक है, स्पेजिया 19-21-24, सासोलो, सेलेनिटाना, ठीक है दोस्तों। इसमें आ जाते हैं अभी, अभी देखिए सांपड़िया को करो या मरो है, तो उसके लिए क्या करना है अपने को, शॉट्स टुवर्ड्स द गोल, कितना है टीम वन का, 11 दिखा रहा है, 11, और फर्स्ट हाफ गोल की कितना है, 7-8, गोल की थोड़ा ज़्यादा दे रहा है, 3-3-6-7-8, ठीक, गोल की ज़्यादा दे रहा है। अपने को जाना है इसमें शॉट्स टुवर्ड्स द गोल, ये मैं आपको बेट स्लिप नंबर दे दूंगा, टेंशन मत लीजिए, इतने सारे इवेंट आप ऐड शायद नहीं कर पाओगे। अभी देखिए मिलान का मैच है, मिलान बहुत ही घटिया खेल रहा है मेरे हिसाब से, तो वो ज़रा भी फॉर्म में नहीं है अभी भी, भले पाँचवें नंबर पे, पहले अच्छा खेला इसलिए है, अभी नहीं है। अपने को मोन्जा के 11 पे जाना है, शॉट्स ऑन टारगेट नहीं, इसके सॉरी इसके अंडर में चले जाते हैं, शॉट फर्स्ट हाफ में, मिलान के 6.5 के अंडर में जाना है, ठीक है, शॉट्स टुवर्ड्स द गोल, और फिर मिलान के बाद अपने को आना इंटर मिलान उडिने से, ये दोनों की टीम बढ़िया खेल रही है अभी, दोनों ही बढ़िया फॉर्म में है, गोल किक टीम वन 6, शॉट्स तो आर्स गो टीम टू 9-10, इसमें उडिनेसे के 9 शॉट टुवर्ड्स द गोल जाना है, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों 24 घंटे के मैच का एक्युमुलेटर, ठीक है। अभी एक मेरे को और लीग पता है, उसको ऐड कर लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में ई, उसमें सिडनी वाला है गोल किक फर्स्ट हाफ, इसमें 7 गोल किक पे जाना है, ब्रिस्बेन रो, ठीक है, और न्यूकैसल जेट्स, सर इसको छोड़ दीजिए, ये विक्ट्री और सिटी, ये अच्छी मैच है, इस दोनों में थ्रो इन हो गए 100% फर्स्ट हाफ में, ये हमें 20 लेना है, ग्लोरी पर्थ ग्लोरी एंड सेंट्रल, 1 मिनट है, इसमें मेरे को थोड़ा स्टेट्स देखना पड़ेगा, फुल स्टेट्स स्टैंडिंग्स,
इसमें टॉप सिक्स में रहने का फायदा रहता है दोस्तों, वो उनके इंटरनल लेवल में खेल रहे हैं, ठीक है, उस हिसाब से रहता है। तो इसमें मेलबर्न विक्ट्री और मेलबर्न सिटी दोनों आसमान ज़मीन का फर्क है, पर्थ ग्लोरी है, ओके, न्यूकैसल जेट है, ब्रिस्बेन है। ठीक है दोस्तों, इसमें मेरे को स्टेट्स में थोड़ा देखना था, देख लिया हमने, ओके, एडिलेड यूनाइटेड, और ये दोनों कॉर्नर वाली टीम है, कॉर्नर करती है। इसमें टोटल कॉर्नर लेकिन 10 है, बहुत कम है ऑड्स है। इसको छोड़ दीजिए, पर्थ ग्लोरी को भी है, अपने पास ऑप्शंस है इसमें। इसमें फर्स्ट हाफ में जाना है 7 गोल किक पे, ठीक है, 13 हुए। अब ये न्यूकैसल जेट्स, ये T1 फाउल ज़्यादा कर दिया इसने, तो टीम ट्यूब भी तो कर ही देगी। इसमें हम लोग को 24 फाउल में जाना है, ठीक है दोस्तों। 14 इवेंट्स हो गए हैं, अपना सब कुछ रेडी हो गया है। अभी आपको ये बैट स्लिप कोड डालना है, बैट स्लिप कोड कैसे डालना है वो भी मेरा वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आपको टेलीग्राम पे भी भेज दूंगा। ये कोड याद रखना है, इसमें ये आपको 14 इवेंट्स मिल जाएगी। अब इतने सारे इवेंट्स हैं इसलिए हम इसमें ज़्यादा अमाउंट्स तो नहीं जा सकते दोस्तों, तो कितना जाएंगे, तो मैं तो 286 जाऊँगा, तो 1,75,000 मिलेगी, तो दैट इज़ ओके फॉर मी, तो मैं 286 जा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। बाकी आप अपने हिसाब से जा सकते हो। ये हो गया, ये सारे इवेंट आ गए 14, ठीक है। तो होप ये अपना 14 इवेंट्स अगर सही हो गए तो अपने को 1,75 मिलेंगे, ठीक है। अपने को अपना काम है ट्राई करना, ट्राई एंड ट्राई यू विल सक्सीड, वैसा वाला काम है। बाकी तो अभी लाइव चल रहा है इंडिया का टेस्ट मैच, ऑस्ट्रेलिया इंडिया, न्यूजीलैंड इंग्लैंड, तो देखना पड़ेगा। लेकिन अभी थोड़ा टाइम, सुबह सुबह तो अवेलेबल नहीं रहता क्योंकि थोड़ा बहुत दूसरा काम भी रहता है अपने को रूटीन लाइफ में, तो मिलते हैं बाकी, शाम को मिलते हैं, ठीक है, ओके, बाय, हैव अ नाइस डे। ऐसे ही बने रहे, ऐसे ही आपको लाइव अपडेट्स मिलेगी, ऐसे ही आपको लाइव सब सिखाऊंगा मैं, तो मेरा चैनल ऐसा जेन्युइन चैनल आपको बहुत कम मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम पे आइए, और जो बाकी डिस्क्रिप्शंस में लिंक है तीनों मैच की, देखो मैं फुटबॉल वन एक्स बैट फुटबॉल के लिए यूज़ कर रहा हूँ, पारी मैच एंड बैटवे क्रिकेट के लिए यूज़ कर रहा हूँ, तो हमें तीनों ऐप का फ़ायदा उठाना चाहिए और एकदम बैलेंस करके लाइफ जीनी चाहिए, एंजॉय करनी चाहिए, ठीक है, ओके, बाय, हैव अ नाइस डे, हैप्पी महाशिवरात्रि, बाय दोस्तों, जय श्री महाकाल।